नमस्कार मित्रों, हूँ कैलाश शर्मा, आप जो रहा छो वंदे समाचार। लर्निंग कैटरपिलर्स नर्सरी जूनियर केजी सीनियर केजी स्कूल शाहीबागना उपरक्रमे तारीख 13 ऑक्टोबर ना रोज शाळाना विद्यार्थीओ अने तेओना वालीओ माटे गरबानो एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करायो हतो। नर्सरी जूनियर केजी सीनियर केजी एम बधा थईने 100 बाळको धरावती आ चिल्ड्रन शाळाना विद्यार्थीओए एक मासनी तालीम मेळवी सरस मजानू मन ने मोही ले तेवू निदर्शन कर्यू। साथो साथ आ भूलकाओना वालीओए पण गरबा महोत्सवमां उत्साहभेर भाग लई कार्यक्रमने दीपाव्यू हतू। कुल 7 जणना स्टाफ थकी 100 विद्यार्थीओने तैयार करता होई दरेक विद्यार्थीओ पर व्यक्तिगत ध्यान अपाय छे। नमस्कार, मैं कौशिक गुणोदर, आप देख रहे वंदे समाचार। अभी हम साहिबाग एरिया में टोडलर लैंड नर्सरी जूनियर केजी एंड सीनियर केजी स्कूल है वहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने आज बहुत अच्छा फेस्टिवल रखा है जो नवरात्रि आने से पहले रखा जाता है, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आयोजन किया गया है। जो अभी आपने कार्यक्रम रखा था स्कूल द्वारा, वो किस तरह का आयोजन है, क्या क्या इसमें ध्यान रखा गया है और कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? हम लोग 1 महीने से बच्चों को डांस सिखा रहे हैं। सो 2 साल के बच्चे जो टॉडलर लैंड में है और 3 ईयर्स नर्सरी 4 ईयर्स जूनियर एंड 5 ईयर्स सीनियर केजी के जो बच्चे हैं उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। उनके मदर्स ने भी डांस किया है, परफॉर्मेंस किया है एंड द होल फैमिली फादर्स ने ग्रुप डांसेस हुए हैं। सो बेसिकली हम लोग एक फैमिली इवेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पर बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, अपने ही एक क्राउड में होते हैं। तो आज अराउंड 600 to 700 हमारे पेरेंट्स का गैदरिंग था और सब ने बहुत एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे एंजॉय करें, क्योंकि गरबे में बच्चे जाते हैं वो अगर वो स्टेप्स नहीं कर सकते, वो डांस नहीं कर सकते तो वो फिर मोबाइल में रहते हैं। पेरेंट्स भी अपसेट रहते हैं कि पूरे टाइम बच्चे मोबाइल पे रहते हैं या वो उनको घर पे छोड़ के जाते हैं। घर पे छोड़ के जाते हैं तो डेफिनेटली बच्चा फिर से मोबाइल एंड गैजेट्स में रहता है। सो हम ये चाहते हैं कि हम बच्चों को इतना सिखाएं कि जब वो खुद अपनी बिल्डिंग में जाएं या कहीं भी बाहर जाएं तो वो खुद इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। हमारी जो कल्चर है, जो गुजरात का जो मेन कल्चर है कि यू नो गरबा एंड नवरात्रि इज़ द हार्ट ऑफ गुजरात, यहाँ का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो इसे हम फुल फ्लेज फुल दिल से मनाते हैं और वी रियली एंजॉय अ लॉट एंड दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें हम पेरेंट्स से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, सारा एफर्ट्स हमारा होता है। इट इज़ अ फैमिली इवेंट एंड वी रियली लाइक टू ऑर्गेनाइज। हम यही चाहते हैं कि सब पेरेंट्स एक साथ मिले और ये आउटसाइडर्स के लिए नहीं अलाउड है, ये सिर्फ हमारी फैमिली है, द लर्निंग कैटरपिलर की जो फैमिली है उन्हीं के लिए है। अच्छा, चिल्ड्रन पीरियड्स के टाइम से ही जो बच्चों का स्किल डेवलपमेंट होता है जी, उसमें अभी हाल में जो किड्स स्कूल है उसमें क्या ध्यान रखा जाता है और अभी दूसरे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वो लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पे चिल्ड्रन स्कूल में रखें? देखिए, चिल्ड्रन स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल की जनरेशन बहुत आगे बढ़ रही है
पहले जो बच्चे थे वो थोड़े स्लो होते थे, जो चीज़ वो 5 ईयर्स में करते थे आजकल बच्चे 3 ईयर्स में कर रहे हैं। सो जैसे जैसे वी आर बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड फॉरवर्ड, हमारे बच्चे भी उतने ही यू नो एक्टिव होते जा रहे हैं। तो उनको एक प्रॉपर चैनल की ज़रूरत है। पेरेंट्स सोचते हैं 2 साल का बच्चा है वो क्या समझेगा, लेकिन आज 2 साल के बच्चों ने परफॉर्मेंस दी है, बच्चे बहुत समझते हैं। तो एक तो उनको एक प्रॉपर आप चैनल में डालें, उनको डेफिनेटली आप कोई भी किंडरगार्टन है कोई भी प्रोग्राम में डालें, बिकॉज आजकल पेरेंट्स भी बहुत बिजी हो गए हैं। सो पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं मिल रहा, बिकॉज जनरली आजकल सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को स्कूल में डालें, कोई प्रोग्राम में डालें जहाँ पर उनको प्रॉपर चैनल मिले, नहीं तो वही गैजेट्स में रहेंगे। एंड गैजेट्स खाने के टाइम पे एंड फ्री टाइम में जनरली मदर्स बिजी होते हैं, तो हम गैजेट्स दे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है बच्चों को, उनके माइंड को। सो लेट अस टीच देम मोर ऑफ डांस एंड मोर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। अगर हम ये सिखाएंगे तो उनको गैजेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपकी स्कूल कितने साल से है और आपके टीचर्स कितने हैं टीम में और कितने बच्चे हैं, और अभी ये जो कार्यक्रम किया उसमें तैयारी में कितने दिन लगे और सबको तैयारी कराने में कितना टाइम लग गया? देखिए, हमारी स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली 100 बच्चे हैं और मेरी टीम है 15 टीचर्स एंड 7 स्टाफ की। तैयारी करने में तो सिर्फ डांस करना होता है, बच्चों को सिखाने में अबाउट 3 वीक्स लगे, अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स में बच्चों को हम डांस सिखाते हैं। इसके बाद भी हमें नेक्स्ट हमारा दिवाली का परफॉर्मेंस आएगा, आफ्टर दैट एनुअल डे आएगा, स्पोर्ट्स डे आएगा, तो सारे इवेंट्स में हम बच्चों को डांसेस सिखाते हैं। स्टडीज़ के साथ साथ हमें इस चीज़ पर भी बहुत फोकस करते हैं। આવી સાચી અને સચોટ માહિતી મેળવવા માટે આપ જોતા રહો વંદે સમાચાર। અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।